हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जो आपकी रोज़मर्रा की लाइफ में काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज का पहला टिप्स है दाल को लेकर। बरसात के मौसम में या फिर किसी भी सीजन में अगर दाल को हम लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना चाहते हैं तो डायरेक्ट अगर मार्केट से के रख देते हैं डब्बों में तो वो सुरक्षित नहीं रहती है, उसमें कीड़े लग जाते हैं और बारिश के मौसम में इसमें नमी आ जाती है और नमी के कारण उसमें जले लगने लगते हैं। फिर इस दाल को बनाते हैं तो स्वाद नहीं आती है। तो आप अगर इसे लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना चाहते हैं तो दाल की क्वांटिटी के हिसाब से इसमें सरसों का तेल मिक्स कर दें। यानी कि दाल बहुत ज़्यादा है, 2 से 3 किलो जितना है, तो 2 चम्मच सरसों का तेल अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है। तो ये दाल बहुत ही कम है, यानी कि ये मटर है तो बहुत ही कम है, थोड़ा सा है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट डब्बे में ही रख रही हूँ 1 चम्मच जितना सरसों के तेल को, और अच्छे से इसको इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। लेकिन अगर दाल बहुत ज़्यादा है तो किसी भी बर्तन में निकाल के और फिर सरसों का तेल रख के अच्छे से मसाज कर लीजिए। एक एक दाने में सरसों का तेल लगना चाहिए। उसके बाद आप इसे 6 महीने या फिर साल भर के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगेंगे और ये ख़राब नहीं होगी। फिर ये दाल को बनाएंगे तो स्वाद भी आएगी। अगला टिप्स है हनी की प्योरिटी को चेक करने का। हनी बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन हनी प्योर है कि नहीं ये कैसे हम चेक करें, क्योंकि चीनी भी बहुत ज़्यादा मिक्स होती है इसमें। तो हनी जब भी मार्केट से आप लेकर आते हैं तो यूज़ करने से पहले इसकी प्योरिटी को एक बार चेक कर लें। तो इसके लिए आपको ले लेना है कोई सा भी एक छोटा सा बर्तन ले लीजिए और इसमें थोड़ा सा पानी रखना है, तो पीने का पानी ही रखिएगा जिससे कि आप इसको यूज़ भी कर सकें। और अब इस तरह से थोड़ा सा हनी लेकर कटोरी में इसको रख लेना है। अगर ये तुरंत पिघल जाती है, मिक्स हो जाती है पानी में, तो समझ लीजिए कि ये नकली है। लेकिन अगर इसी तरह से हनी एक जगह रहती है, चाहे आप पानी को इस तरह से हिला डुला रहे हैं पर ये पानी में मिक्स नहीं हो रही है, घुल नहीं रही है आसानी से, तो यानी ये हनी प्योर है। तो इस तरह से जब भी आप मार्केट से हनी लेकर आते हैं यूज़ करने से पहले एक बार इसकी प्योरिटी को चेक कर लें। तो कैसा लगा आपको ये टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला टिप्स है नींबू को लेकर। नींबू कई बार ऐसा होता है कि 1-2 नींबू ऐसे पड़े रहते हैं घर में और फिर धीरे धीरे ये सूखने लगते हैं या फिर थोड़े पिलपिले हो जाते हैं, उसका जूस का स्वाद जो है वो ख़राब हो जाती है और जूस निकलते भी नहीं है। ये यूज़ में हम नहीं लेते हैं, बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो फेंकने से पहले आप एक काम ज़रूर कर लीजिएगा, घर में हर सीज़न में मच्छर थोड़े बहुत तो होते ही है, चाहे घर की क्लीनिंग जितने भी अच्छे से कर ले थोड़े बहुत मच्छर होते हैं, तो आप मच्छर भगाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा नींबू को इस तरह से प्रेस कर दीजिए जिससे कि इसमें जो भी थोड़ा बहुत जूस होगा ये बाहर की तरफ आएगी और जो इसकी खुशबू है नींबू की ये और उभर के आती है। और अब ले लेना है आपको 5 से 6 लौंग और लौंग को इसमें अच्छे से लगा दीजिए। और लगाने के बाद उस कमरे में रखना है जहाँ पे आप सोते हैं, तो जहाँ पर भी आप इसको रखेंगे ना, इसकी जो स्मेल है लौंग और नींबू की जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है, इससे मच्छर कोसों दूर भागते हैं। आप एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा, बगैर केमिकल यूज़ किए हुए इस से आप मच्छर को भगा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया और आसान तरीका है। नींबू तो किचन में होते ही हैं पर कई बार ऐसा होता है कि वो ख़राब हो जाते हैं, हम फेंक देते हैं, तो फेंकने के बजाय इस टिप्स को आप फॉलो करके मच्छर भगा सकते हैं। अगला टिप्स है घी को लेकर। घी अभी सर्दी आई नहीं है, सर्दी आते ही आप देखेंगे कि घी इस तरह से जम जाती है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, फिर चम्मच से बहुत ज़्यादा मुश्किल से हमें निकालना होता है। जब भी पराठे बनाए या किसी भी रेसिपी में घी की ज़रूरत है तो बहुत मुश्किल से निकालते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर छोटा सा लेकिन बहुत ही यूज़फुल तरीका बता देती हूँ कि जब भी आपको घी निकालना हो और घी इस तरह से हार्ड हो गया हो तो आप ले लें चम्मच और उसको थोड़ा सा गर्म कर दें, बिल्कुल थोड़ा सा, और उसके बाद आसानी से घी निकल जाएगी। जितना भी आपको यूज़ करना हो आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। अगला टिप्स है बच्चों को या फिर बड़ों को भी चिप्स पापड़ बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। बच्चे खासकर बाहर का ही खाना चाहते हैं और बाहर की रोज़ रोज़ अगर हम देते हैं इस तरह से तला हुआ, क्योंकि बाहर की जो चिप्स आती है उसको एक ही तेल में बहुत सारी चीज़ें तली हुई होती है तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। और घर में भी अगर बच्चे डेली फ्राई किया हुआ चीज़ खाते हैं तो ये उनके सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है, पर बच्चों को पापड़ या चिप्स इस तरह
तरह से बहुत पसंद आते हैं, तो आप बगैर तेल में इसको फ्राई करके दे सकते हैं। बच्चे प्यार से खा भी लेंगे और उनको नुकसान भी नहीं करेगा। तो ये जितने भी चिप्स हैं वो सारे ही चावल के आटे से बना हुआ है, तो ये नुकसान भी नहीं करेगी। और हम इसे नमक में फ्राई करके देने वाले हैं, तो इसलिए ये हेल्दी भी होगा और टेस्टी भी। तो नमक को अच्छे से पहले गर्म कर लेना है, और इस नमक को आप कई बार यूज़ में ले सकते हैं। मैं केक भी बनाती हूँ और इस तरह से बच्चों को देती भी रहती हूँ फ्राई करके, तो इसलिए मैं नमक को रखती हूँ। फ्राई करने के बाद इस नमक को अच्छे से ठंडा होने दीजिए, और जब ठंडा हो जाए तो किसी भी डब्बे में भर के रख लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम आप फिर इस नमक का यूज़ कर सके। तो आपको क्या करना है, नमक को पहले अच्छे से गर्म होने देना है, और जैसे ही गर्म हो जाए तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके चिप्स या फिर पापड़ जो भी फ्राई करने हैं वो उसको रख दीजिए, और ऊपर से नमक को इस तरह से रखना है। अब देखेंगे बहुत अच्छे से फ्राई हो जाती है, जैसे हम तेल में फ्राई करते हैं ना, सेम उतना ही क्रिस्पी रहता है और टेस्टी भी। अगर नमक थोड़ा ज़्यादा इसमें लग जाती है तो आप टिश्यू पेपर की मदद से अच्छे से झाड़ लीजिए नमक को, और फिर बच्चों को दीजिए। इसमें चाट मसाला, थोड़ा नींबू ऐसे छिड़क के देंगे, बच्चे बहुत प्यार से खाएंगे और फिर मार्केट की चीज़ों का बिल्कुल ही नाम भूल जाएंगे। वो बिल्कुल भी ज़िद नहीं करेंगे मार्केट की बनी हुई चिप्स या फिर कुरकुरे को खाने के लिए, बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। तो इसी तरह से पापड़ भी फ्राई कर लेती हूँ, बहुत ही ईजिली पापड़ भी फ्राई हो जाते हैं और जलता भी नहीं है, आप देख सकते हैं। पहली बार में नमक थोड़ा कम गर्म हुआ था तो इसलिए टाइम लगा उसको फ्राई करने में, लेकिन अब नमक बहुत अच्छे से गर्म हो गई है, तो आप देख सकते हैं कुछ ही सेकंड में पापड़ भी फ्राई हो गए हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनती है। तो इस तरीके से बच्चे बड़े सभी को आप दे सकते हैं, गेस्ट आ रहे हैं घर में तो उन्हें भी आप इस तरह से फ्राई करके दे सकते हैं बगैर तेल का, तो इसे टेस्टी तो होगा ही, हेल्दी भी है और कोई भी खाना चाहेगा। तो मैं दो पापड़ और फ्राई कर ली हूँ, और अब इसे मैं इसको आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितना क्रिस्पी बना है, और देखने में भी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं जला है और क्रिस्पी भी बहुत ज़्यादा। इसमें थोड़ा सा नींबू का जूस और चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर छिड़क के अच्छे से मिक्स करके, और फिर बच्चे बड़े किसी को भी देंगे, गेस्ट को भी देंगे तो बहुत ही प्यार से खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है और बगैर ऑयल का है तो हेल्दी तो है भी। तो कैसा लगा आपको ये टिप्स, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। ये टिप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। किचन में खाना बनाते हैं तो किचन की साफ सफाई अच्छे से होना बहुत ज़रूरी है। कई बार किचन सिंक में कीड़े मकोड़े देखने को मिल जाते हैं, और किचन के पाइपलाइन में कई बार गंदगी जमा हो जाती है, जिस वजह से भी कीड़े मकोड़े आते हैं और पानी भी ड्रेन होने में मुश्किल होती है। तो इसके लिए आप क्या करें, एक बर्तन ले लें और उसमें रखना है 1 से 1.5 गिलास जितना पानी, और अब उसमें रख देना है 1 चम्मच चाय की पत्ती, और चाय पत्ती रखने के बाद अब रखना है मेडिसिन। तो आप कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं, अगर एक्सपायरी हो तो वो भी ले लीजिए, या फिर कोई भी दवाई ऐसा हो जो आप नहीं खा रहे हैं एक्स्ट्रा हो। कई बार होता है ना कि किसी भी बीमारी की दवाई रहती है पर बीमारी ठीक हो जाती है, फिर वो दवाई ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो आप वो ले लीजिए। तो मैं 4 टैबलेट इसमें रख दी हूँ, और इसको 4 से 5 मिनट के लिए हमें बॉयल करना है। बॉयल करते ही आप देखेंगे दवाई का जो रिएक्शन है वो कैसा आ रहता है। चाय पत्ती, वैसे भी बहुत सारे लोग लाल चाय पीते हैं, पर उसकी चाय की कलर कैसी होती है और इसकी कैसी हो जाती है, क्योंकि हमने मेडिसिन रख दिया है इसमें, तो चाय पत्ती एकदम फट जाती है और उसका कलर भी बहुत ही अलग हो जाता है, पर ये ही बहुत ज़्यादा ही काम करेगी। तो किचन की साफ़ सफाई हमें विशेष करके ध्यान रखना चाहिए कि साफ़ सफाई अच्छे से हो, क्योंकि खाना बनती है और अगर ये गंदा रहा, इसका अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं, क्योंकि कीड़े मकोड़े फिर किचन स्लैब पे घूमेंगे, बर्तनों में घूमेंगे, और उसी में हम खाना खाएंगे, खाना बनाएंगे, तो बीमार तो होंगे ही। तो थोड़ी सी हमें ज़रूर एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए साफ़ सफाई का। तो इसके 2 फायदे हैं, ये आप बनाने के बाद छान लीजिए, चाय पत्ती हम नहीं रखेंगे पाइपलाइन में, नहीं तो ये जाम हो जाएगी, और अब थोड़ा थोड़ा करके इसको हमें रखना है। इसके 2 फायदे हैं, एक तो इसमें अगर कचरा जमा होगी, कई बार काई लग जाती है पाइपलाइन में, तो वो भी सारे साफ हो जाएंगे, और दूसरा इसमें अगर किसी भी कीड़े ने अंडा दिया होगा या छुपे होंगे कीड़े, कॉकरोच होते हैं, टिड्डी होती है, तो ये सारे कीड़े अगर इसमें छुपे होंगे तो वो सारे ही मर जाएंगे। थोड़ी देर के लिए आप इसका यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिएगा, सबसे अच्छा रहेगा कि नाइट टाइम में ही जब हम डिनर बनाने के बाद किचन को अच्छे से क्लीन करते हैं बर्तन वगैरह धोने के बाद, तो उस टाइम में इस टिप्स को बना के और फिर रख दें, क्योंकि उसके बाद फिर पानी भी आप यूज़ नहीं करेंगे, सिंक का इस्तेमाल नहीं होगा, तो ये फिर अच्छे से काम करेगा, सारे ही कीड़े मकोड़े मर जाएंगे, और वैसे भी किचन सिंक के पाइपलाइन से नाइट में ही सबसे ज़्यादा कीड़े या कॉकरोच निकलते हैं, तो ये सारे मर जाएंगे, गंदगी भी निकल जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आज के टिप्स आपको पसंद आए होंगे। बाय बाय, टेक केयर।